collecting handmade items from different stores is definitely a fun, but creating one, doing it yourself, is even more fun. Trust me, try it. Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. We visit different handicraft fairs, Hastshilp Melas, to collect different items from the stalls and decorate our houses. So if you are such a person who loves the handmade items, try it doing yourself. You will love it even more. So let's get started. इसके लिए हमें मिट्टी का जो हम लोग बंगाली में इसको शौरा बोलते हैं, हम मुझे पता नहीं हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मिट्टी का ये पूजा के दुकानों में अवेलेबल होता है जिसमें पूजा का सामान मिलता है, ऐसे मिट्टी का बर्तन टाइप का होता है, तो वो हम दुकान से भी ले सकते हैं या बहुत समय हमारे घर पूजा के सामान में ही आता है, तो हम ऐसा ही एक मिट्टी का शौरा लेते हैं। और मुझे चाहिए एक्रिलिक कलर्स और फ्लैट ब्रश, डिफरेंट तरह के ब्रशेस भी हम ले लेते हैं। तो पहले हम एक कोट वाइट का दे लेते हैं, हम एक्रिलिक कलर से ही एक कोट वाइट का देते हैं, या फिर जो प्राइमर एक मिलता है हम उससे भी दे सकते हैं। वाइट का दे लेने से क्या होगा, फिर नेक्स्ट जो कलर हम करेंगे वो कलर अच्छे से उसमें पकड़ेगा। तो पहले हम वाइट का कोट देते हैं, फिर देखिए हमने मैरून कलर का एक कोट दिया है। अब देखिए मैंने इसमें फिगर्स बनाना शुरू किया है, मैं ह्यूमन फिगर्स बनाऊंगी। एक्चुअली मैं इसको वर्ली आर्ट से डेकोरेट करूंगी। थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्ली आर्ट जो है वो महाराष्ट्र के एक वर्ली ट्राइब्स द्वारा वो बनाया जाता था, उनके मड हाउसेस के दीवालों पर। तो वो महाराष्ट्र का फेमस है वर्ली आर्ट। वो ज़्यादातर जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस अपने पेंटिंग में। और वो ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं जो उनके कल्चर को डिपिक्ट करता है, जैसे वो डांसिंग, तो फार्मर्स अपना सोइंग यूज़ करते हैं, तो वो अपना डिफरेंट जो है कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए ह्यूमन फिगर्स को यूज़ करता है। और ह्यूमन फिगर्स भी वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनाते हैं। ज़्यादातर देखिए ट्रायंगल हमने बनाया है, ये सब हम ह्यूमन फिगर्स बना रहे हैं। देखिए मेरा बॉडीज बन के रेडी है, अब हम इन लोग का माथा बनाएंगे। देखिए ये गोल गोल करके हम माथा बना रहे हैं। जो हम सॉलिड कलर्स यूज़ करेंगे ना, पहले जो हमने वाइट किया था उसके बाद मरून किया है, हम सभी के दो दो कोट्स दे लेंगे, उससे क्या होगा शाइनिंग अच्छा आएगा। और अब ये धीरे धीरे सभी फिगर्स के हम माथा बना लेंगे, फिर धीरे से हम बाल बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें लेडीज़ का फिगर दिखा रहे हैं, तो हम बाल भी बनाएंगे छोटा सा। ये देखिए मैंने अभी हाथ ड्रॉ कर रहा है, हाथ ऐसे हमने कमर पे रखा है। देखिए सभी एक दूसरे का जैसे कमर पकड़ कर डांस करते हैं ना लेडीज़, तो वो पोस्चर हम बनाना चाह रहे हैं, तो इनका हाथ जो है एक दूसरे के कमर में हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये जो बीच का पोर्शन है, इनके देखिए मैंने पाँव भी बना दिया है, लेग्स जो है बनाए हैं, वो डांसिंग पोज में हम देखिए लेग्स बनाए हैं। और जो ये बीच का पोर्शन है ना, इसको खाली छोड़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सर्कल बना के थोड़े से इसमें डिज़ाइन भी बना दिए हैं। अब देखिए जो किनारा है, जो साइड से, इसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से ट्रायंगल बनाकर हम डिज़ाइन बना रहे हैं। ये थोड़ा सा भरा भरा लगेगा, ज़्यादा भरा भरा लगेगा तो लगेगा आपने ज़्यादा मेहनत किया है, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि आपने फांसी मारा है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा साइड को भी ऐसे मैंने बॉर्डर टाइप का कर दिया है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं सेकेंड वाला। तो मैंने एक और भी शौरा ले लिया है, उसमें मैं फिर से दो कोट वाइट के डालूंगी
और 2 फुट मैंने मरून के भी इसमें डाले हैं। तो देखिए 2 फुट वाइट के और 2 फुट मरून के हमने डाल चुका है। वो मैंने नहीं दिखाया जो कि मैंने फर्स्ट वाले में आपको दिखाया था, तो फिर आपका भी समय बर्बाद होगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है उसको। तो देखिए फिर मैंने साइड में इसके बॉर्डर भी करके थोड़ा डॉट डॉट्स भी बना दिया है। तो मैंने इतना काम रेडी कर लिया है ताकि आपका कुछ समय बचे। और फिर अब मैं इसके अंदर जो है फिगर बनाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा दूसरा टाइप का पेंटिंग करूंगी, इसमें मैं मधुबनी पेंटिंग करूंगी। तो मैंने एक इसमें फिश का फिगर बनाया है, तो ये मैं मधुबनी पेंटिंग करूंगी। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है ना, ये बिहार में बहुत फेमस है, ये बिहार से ही ओरिजिनेट होता है। ऐसे तो वर्ल्ड फेमस है, तो ये बिहार के मिथिला से ओरिजिनेट होता है। ये मेनली जो है ना लाइन ड्राइंग्स है फिल्ड बाय कलर्स, ये लाइन लाइन कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ऐसे ड्राइंग्स करके उसको हम इसको कलर्स से भरते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा बनता है। इसमें मैंने फिश का एक फिगर बनाया है, तो अब मैं इसको कलर से भर रही हूँ। तो आप देखिए ये मैंने जो है फिश का जो माथे का रीजन है उसको डिफाइन कर रही हूँ। 3 मैं ब्लैक लाइन से फिश के माथे को डिफाइन कर, अब ये गया फिश का फिन्स। अब हम फिश के आईज को देखिए बना रहे हैं। क्योंकि इस आर्ट में ज्यादातर कलर्स फिल कर दिए जाते हैं, तो हम देखिए इसमें सभी जगह थोड़ा कलर फिल करने का कोशिश करेंगे। अब हम देखिए टेल के पोर्शन को, फिश के टेल का जो पोर्शन है उसमें हम ब्लैक कलर को फिल कर देंगे। अच्छा, तो आप बताना ज़रूर जो 2 मैंने पेंटिंग किया है उसमें से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये भी बताइएगा कि मेरे DIY वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। जो फ्रेंड्स नए विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद माय वीडियोस। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना उससे मुझे बहुत ही उत्साह मिलता है, नए और भी नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए मैं इसमें भी कलर्स फिल करूंगी, ये रेड कलर ब्लैक कलर से ऐसे चेक चेक डिज़ाइन बनाऊंगी। बेसिकली जितना भी आप कलर्स से उसको डिज़ाइन बनाकर उसको और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, और बारीकी काम करने से ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही मेहनत किया है। देखिए ये जो फिश के टेल में मैं उसके स्केल्स बना रही हूँ, जो बंगाली में हम लोग आश बोलते हैं वो देखिए स्केल्स है, हिंदी में से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
इसको फील करने से देखने में और गॉर्जियस लगता है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। थोड़ा जगह कम हो तो वहाँ मैं डॉट डॉट से भी फील कर देती हूँ। अब देखिए ये जो जगह है ना, ये वाइट वाला, ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पत्ते के डिज़ाइन से इसको भर देते हैं। बस इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मन हो आप बनाइए, नहीं मन हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये मैंने देखिए पत्तों को ऐसे डिज़ाइन से भर दिया है, तो थोड़ा देखने में ज़्यादा शायद अच्छा लग रहा है। तो बताना ज़रूर आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।